गाइस इन 10 गैजेट की लिस्ट में कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी डेली लाइफ में, क्योंकि ये गैजेट आपके लाइफ को काफी ज्यादा आसान बनाने वाले हैं। इन गैजेट की लिस्ट में होने वाले हैं कुछ एडवांस ड्रोन, एडवांस लॉगिंग सिस्टम, और साथ ही हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में गेमिंग एंड कॉलिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए इस गैजेट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइस 10th नंबर पे गैजेट आता है ड्रोन गन। गाइस कुछ कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पर फ्लाई करना अलाउ नहीं होता, जो कि नॉन फ्लाइंग जोन होते हैं, बट फिर भी कुछ लोग या तो जासूसी के लिए या फिर मजे के लिए अपने ड्रोन्स उन एरियाज में भेज देते हैं। तो यह वेपन उन ड्रोन्स को नीचे करने के लिए काम आता है। ये गन किसी भी फ्रीक्वेंसी के ड्रोन को नीचे लैंड करवा सकती है। आमतौर पर गाइस मिलिट्री इस गैजेट का यूज करती है, बट ये कमर्शियली आपके लिए भी अवेलेबल है। अगर आपको ये गैजेट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी वेबसाइट पर जाकर इसको बाय कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं आगे जितने भी गैजेट बताऊंगा आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी लिंक पे क्लिक करके उनको बाय कर सकते हैं। तो हमारी टॉप 10 की लिस्ट में 9 नंबर पे आता है लोकी सिक्योर प्रो। गाइस वैसे हम घर पर यूज करते हैं एक सिंपल डोर लॉक, और उसमें हम काफी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि उसकी की खो जाती है, या फिर हम गाइस जब बाजार से आते हैं तो हमारे हैंड फुल होते हैं, तो उस टाइम डोर को अनलॉक करने में काफी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। बट इस गैजेट के साथ ऐसा नहीं होगा। एक सिंपल डोर लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको की जरूरत पड़ेगी, बट अगर मान लो आप घर पे नहीं है और कोई गेस्ट आता है तो आप अपने ऑफिस में बैठे इसके ऐप से इसको अनलॉक कर सकते हैं। और गाइस इसका एक और तरीका है, मान लो कि आपका क्लीनर आपके घर पर आता है तो आप उसको एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP सेंड कर सकते हैं, और आपके क्लीनर को सिंपली वो OTP उसमें टाइप करना है और डोर अनलॉक हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं गाइस, ये आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ये भी बताता है कि आपका डोर कब किस टाइम अनलॉक हुआ है और कब किस टाइम ऑफ हुआ है या फिर लॉक्ड हुआ है। और गाइस ये गैजेट काफी सिक्योर भी है। अगर कोई बार वाला इसको अनलॉक करने की कोशिश करता है, और जाहिर है वो बार बार अलग अलग पासवर्ड ट्राई करेगा, और कुछ गलत अटेम्प्ट के बाद ये ऐसे मोड में चला जाता है कि ये पासवर्ड दिखाना बंद कर देता है, जैसे कि आपका मोबाइल भी करता है। तो गाइस टॉप 10 की लिस्ट में 8 नंबर पे आता है मेटानेट स्टेशन। गाइस पैथोलॉजी लैब में अक्सर ऐसा होता है, आप हमारा ब्लड सैंपल देकर आते हैं और वो ब्लड सैंपल कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है, बिकॉज उसको ट्रांसपोर्ट करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये गैजेट बनाया गया है। ये एक स्टेशन की तरह होता है, पब्लिक एरियाज में इसको लगाया जा सकता है। इसमें आपको सिंपली ब्लड सैंपल इसमें रखना होगा, और साथ ही में इसमें एक ड्रोन भी होगा जो उस ब्लड सैंपल को लेकर इसके दूसरे स्टेशन पर लैंड करेगा। और गाइस ड्रोन के अंदर पहले ही लोकेशन सेट हुई होती है, ड्रोन एक जगह से उड़ेगा और दूसरे जगह पर लैंड करेगा, और ब्लड सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन टाइम काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और इसका दूसरा स्टेशन होगा पैथोलॉजी लैब के पास, और लैब में काम करने वाले वर्कर इसके दूसरे स्टेशन से ब्लड सैंपल लेकर उसको एनालाइज कर पाएंगे। गाइस आपको फ्यूचर में ऐसे ही गैजेट हर तरफ देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट एंड एडवांस हो गए। तो हमारी टॉप 10 लिस्ट में 7th नंबर पर आता है म्यूट्रिस GP30। गाइस ये गैजेट दिखने में आपको एक सिंपल सनग्लासेस लगेगा, बट ऐसा नहीं है, इसके फीचर सुन सुनकर आपको झटका लगने वाला है। अगर आप फोन पे गेमिंग करते हैं तो ये गैजेट आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस गैजेट को आपके फोन के साथ पेयर करना होगा, और उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देगा। और गाइस इसके मेन दो काम है, सबसे पहला ये ब्लू लाइट को रोक देता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहे ये स्क्रीन से आने वाली हार्मफुल लाइट को रोक देता है। और इसका दूसरा काम होता है, इसमें आपको दो स्पीकर्स मिलेंगे जो कि आपको गेम खेलते वक्त गेम की रियल साउंड महसूस करवाएंगे। और गाइस ये साउंड इस तरह प्रोड्यूस करेगा कि इसकी साउंड सिर्फ आपको सुनाई देगी, आपके साइड में बैठने वाले को जरा सी भी नहीं सुनाई देगी। गाइस नंबर 6 पे आता है हीमो फोल्डिंग बाइक। गाइस आने वाले फ्यूचर में आप हर तरफ ई बाइक्स मिलेंगी जो कि बैटरी को एज अ पावर सोर्स यूज करेंगी, और ये किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो ये बाइक आने वाले फ्यूचर की एक झलक है। गाइस ये बाइक इतनी छोटी होती है, आप इसको अपने बैकपैक में रख के घूम सकते हैं। गाइस अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो यकीनन इसकी परफॉर्मेंस आपको चौंका देगी। आप इसको सिंगल चार्ज में 30 किलोमीटर तक यूज कर पाएंगे, साथ ही इसकी स्पीड आपको मिलेगी 18 किलोमीटर पर आवर्स की, जो कि यकीनन काफी अच्छी स्पीड है और काफी ज्यादा डिस्टेंस ये कवर कर पाएगी, वो भी बिना किसी खर्चे के। और गाइस इस बाइक में यूज की गई है लिथियम आयन बैटरी, जो कि आपको आपके फोन में भी मिलती है, और इन बैटरी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। इस बाइक की बैटरी चार्ज हो जाती है 6-7 घंटे के बीच में, और फिर आप इसको लेकर कहीं भी घूमने जा सकते हैं। अगर गाइस आप टैटू पसंद करते हैं और टैटू बनाने वाले नीडल से डरते हैं, तो नेक्स्ट गैजेट आपके लिए है, यानी कि हम बात कर रहे हैं हमारे 5th नंबर वाले गैजेट की, जो कि है प्रिंकर्स S। गाइस इस गैजेट में वाटरप्रूफ इंक डाली जाती है, और इंक डालने के बाद आप अपने फोन से इसको कनेक्ट करके कोई भी
अपने टैटू प्रिंट कर सकते हैं, वो भी एक टेम्परेरी टैटू होगा, यानी कि उसकी इंक को किसी फ्रूट से आप हटा पाएंगे। तो गाइस नंबर 4th पर आता है काई कंट्रोलर। गाइस नॉर्मली कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं माउस और कीबोर्ड, और अगर हम बात करें अपने टीवी की या फिर एसी की, इनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक रिमोट वगैरह का यूज करना पड़ता है। बट अगर आप इस गैजेट का अपने घर पर यूज करेंगे तो आप हैंड गैजेट्स के थ्रू अपने एसी, टीवी या फिर पीसी को कंट्रोल कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं गाइस, आप इसमें वर्चुअल रियलिटी गेम्स भी खेल पाएंगे, और ये गैजेट गेमिंग या फिर एडिटिंग वगैरह आपके लिए काफी ज्यादा आसान कर देगा। साथ ही गाइस आप इस गैजेट से ड्रोन भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो गाइस 3rd नंबर पर आता है मीसा। गाइस जैसा कि आपने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा, आपको उन मूवीज में रोबोट्स वगैरह काफी ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप अभी एक रोबोट को ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं, तो जाहिर है आपको काफी हैरानी होगी। तो एक ऐसा रोबोट है जो काफी अलग अलग काम करने के लिए बनाया गया है, और ये रोबोट आपके बच्चे के लिए एक टॉय की तरह होता है, जिसके थ्रू वो काफी नई नई चीजें सीख सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ये रोबोट घर की निगरानी करने के लिए भी काफी ज्यादा काम आ सकता है। इस रोबोट में कैमरा भी लगा होगा, जिसके थ्रू आप लाइव वीडियो देख पाएंगे अपने ऑफिस में बैठे हुए या फिर कहीं बाहर बैठे हुए। गाइस हमारा नेक्स्ट गैजेट है वॉइस बॉट। गाइस जनरली अब तक जितनी भी स्मार्ट वॉच आई है उनमें आपको कॉलिंग के नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं, बट आप उनसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाते। गाइस इस वॉच में आपको एक रिंग की तरह कंपोनेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलेंगे स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन, जिसको आप इजीली अपनी वॉच से हटाकर अपने कान पर लगा सकते हैं, और उसके बाद आप इजीली कॉल पर बात कर पाएंगे। यानी कि कॉल को उठाने के लिए आपको अपने फोन पर एक्सेस नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली इस वॉच से फोन उठा भी सकते हैं और उस पर बात भी कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये गैजेट काफी ज्यादा एडवांस रहता है अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी स्मार्ट वॉचेस से। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई सा भी गैजेट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।